की पॉपुलैरिटी से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। हमारे भारत देश में इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर लैंग्वेज है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इंग्लिश बोलना तो आना ही चाहिए। क्यों है मांग इतनी ज्यादा इंग्लिश की, हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में, जानेंगे इस वीडियो में। अब वैसे तो इंग्लिश के इतने डिमांडिंग लैंग्वेज होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश कैन लीड यू टू द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन ऑफिस, इन कॉलेज, व्हाइल ट्रैवलिंग, सोशल मीडिया, मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज ऑफ एम्प्लॉयर्स। अब हर इंटरव्यू की तैयारी आप इंग्लिश में ही करते हैं, ये बात तो मानेंगे ना। इफ यू स्पीक इंग्लिश यू आर द वन हु हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एज वेल। पर क्यों, आखिर ऐसा भी क्या खास है इस लैंग्वेज में जो आपको अपनी मदर टंग के अलावा इंग्लिश सीखना जरूरी होता है? कहां से आई ये नेसेसिटी इंग्लिश सीखने की? ऐसा हमेशा से नहीं था। दुनिया का बिगेस्ट एंड पावरफुल एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर, जो 1922 तक लगभग दुनिया के 22 से 25% हिस्से पर कब्जा कर चुका था, अब इतने सारे देश कब्जे में होने के कारण इंक्लूडिंग इंडिया, अगर वहां के लोगों को अच्छा करियर बनाना होता था, अच्छी नौकरी चाहिए होती थी, तो इन्हीं की लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती थी। काफी लंबे अरसे तक कई सारे देशों पर राज करने के बाद भारत और कई दूसरे राज भी ब्रिटिश एम्पायर से मुक्त होने लगे थे। भारत को भी आजादी मिली और जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ कुछ लोगों को पहले से ही अच्छे से आती थी, तो इस बात पर विचार हुआ कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में शामिल किया जाना चाहिए या फिर हिंदी को ही रहने देना चाहिए। उस वक्त हम भारतीय शुद्ध हिंदी बोलते थे और हिंदी के भी कई सारे रूप देखे जाते थे, जैसे कि उर्दू और हिंदी, उर्दू और संस्कृत, जो कि आज तक देखे जाते हैं। उस वक्त साउथ इंडियन कम्युनिटी का कहना था कि हमें इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, सिर्फ हिंदी को नहीं, क्योंकि वो लोग तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन सारी भाषाओं को ज्यादा अच्छे से समझते और बोलते हैं। कुछ दूसरे विद्वानों का कहना था कि दलित जातियों को अच्छे से डिनोट करने के लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेजेस में शामिल किया जाना चाहिए, इससे दलित जातियों को पिछड़ेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये लैंग्वेज सभी के लिए समान काम करेगी। ऐसा नहीं होगा कि ब्राह्मण को संस्कृताइज हिंदी के लिए एडवांटेजेस मिलेंगे और दलित लोग वंचित रह जाएंगे। पूरे देश में इसको समान रूप से समझा और देखा जाएगा और इस तरह हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश की पॉपुलैरिटी में चार चांद और लगाने का काम किया एक और पावरफुल कंट्री ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ की कहानी भी कुछ हमारे जैसी ही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी नेशनल आइडेंटिटी के तौर पर स्वीकार किया और वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका एक सुपर पावर की तरह उभर कर आया। यहाँ से स्टार्ट हुए बिजनेस, स्कूल्स, ट्रेड्स, यूनिवर्सिटीज दुनिया भर में फैलने लगे और सक्सेसफुली लोगों में पॉपुलर होने लगे। अब वहां से कम्युनिकेशन की लैंग्वेज उनकी अपनी ही लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश होती थी। दुनिया के कई बेहतरीन आविष्कारों में से एक इंटरनेट, इंटरनेट का आविष्कार भी अमेरिका में ही हुआ और इंटरनेट से जुड़ी सारी कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, ये सब यूएस में उभर कर आई और दुनिया भर में क्रांति ला दी। कंप्यूटर का भी आविष्कार एक अमेरिकन ने किया और दुनिया भर में छा गया। कंप्यूटर के साथ यूज होने वाले टाइपराइटर्स, कीबोर्ड्स, इन सभी का इन्वेंशन एक अमेरिकी द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज में ही किया गया था,
दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज स्कूल्स इंग्लिश में पढ़ाने स्टार्ट कर दिए। और अगर आपको एक अच्छी एजुकेशन, इंटरनेशनल एजुकेशन चाहिए होती थी तो आपको उन्हीं की लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ना होता था। यूएस के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी होने के कारण अमेरिकन मूवीज, टीवी शो, अमेरिकन म्यूजिक वर्ल्ड वाइड रिलीज किए जाने लगे और दुनिया भर में पॉपुलर होने लगे। साल बीतते गए लेकिन इंग्लिश को हमेशा से ही हमारे देश में एक बाहरी लैंग्वेज के रूप में देखा जाता रहा है। लोगों के माइंड में यही रहा है कि इंग्लिश एक अंग्रेजों वाली भाषा है जो कि हमें कई साल तक हम पे कब्जा करके गए हैं, हमें लूट कर गए हैं। लेकिन अगेन साउथ इंडियन पॉलिटिशियंस का कहना है कि अगर इंग्लिश नहीं तो आप तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं घोषित कर देते। आज 2022 तक इंग्लिश कितनी पावरफुल, कितनी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है भारत में, ये तो आप लोगों में से किसी से छुपा नहीं है। तो इस तरह इंग्लिश लैंग्वेज बनी भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि इस सीरीज की अगली वीडियो मिस ना हो।